हेलो नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं आया हूँ नैना के गांव, मतलब मेरे ससुराल। वैसे नैना यूजुअली जाती रहती है अपने ससुराल, इस बार मैं आया हूँ मेरे ससुराल, सोचा कुछ अलग करते हैं। हाँ, और अभी एप्पल का सीज़न है, तो एप्पल के सीज़न एज इन की हार्वेस्टिंग सीज़न है, तो अभी एप्पल का तुड़ान हो रहा है, मतलब एप्पल हार्वेस्ट हो रहे हैं। मुझे बहुत इंटरेस्ट था, आपने ज्योतिगण रजत में लास्ट ईयर, अगर आप पहले से हमको फॉलो करते हो, लास्ट ईयर देखा होगा कि मैं सीज़न में आया था। मुझे था कि सीज़न में पेड़ से निकाल के एप्पल खाने हैं और देखना है कि सीज़न में होता क्या है एग्जैक्टली। तो इस बार लकीली मैं उसी टाइम पर आया हूँ, आज फाइनली हम देखने वाले हैं। और आज मौसम ऐसा था यार, बारिश बारिश बारिश, तो हम बाहर निकल नहीं पा रहे थे। फाइनली अभी वो टाइम आ गया है जब मैं देखूंगा। ये देखो प्लकिंग हो रही है। इस बार तो टमाटर ज्यादा महंगे, सेब है नहीं इतना। वाह, ये एक ही पेड़ में? हाँ, ये इसमें कलम होती है ना कीवी। अच्छा, गोल्डन कलम। वाह, ये देखो रॉयल और एक उसी पेड़ में गोल्डन भी लगे हैं, देखो ना। ऐसा ही होता है हमारे यहाँ, नीचे देखो पूरा आधा पेड़ इसका, आधा। हाँ वो सामने देखो, मैं जूम करके दिखाता हूँ। नीचे चलो, वाह नीचे तो चलो, मेरे पाँव तो यही मिट्टी में डूब रहे हैं। तो मैं यही लेके आई हूँ, नहीं खेत के लिए आई है, कैटवॉक के लिए। वो देखो पीछे आपका खिलाड़ी, इधर आ, लियो आ जा। कहाँ चला, कहाँ जा रहा है? जाना होगा बगीचे में, कैसे उतरेंगे मम्मी? पीछे एक रास्ता था ना। ओए लियो, क्या हुआ तुझे? ये क्या है? मैं नहा के आया हूँ, इसे क्या हो गया यार? पीछे एक रास्ता था ना, वो गोबर ही गोबर था। मैंने कहा मम्मी ऊपर से एक और रास्ता है, वहाँ से चलते हैं। मम्मी कहती हाँ हाँ, नहा कैसे आएगा रे, इसमें घास में चप्पल। दादी इसलिए उन्होंने मेरे कपड़े गंदे कर दिए। अभी तो कब चेंज किए थे वो भी भाई। और देखो कितने प्यार प्यार से निकाल रहे हैं ताकि बिल्कुल भी खराब ना हो। पूरे गांव में अलग अलग जगह से अलग अलग आवाजें आ रही होगी, कहीं बच्चा चिल्ला रहा है जोर जोर से। हाँ, और रेड कलर की क्रेट्स पड़ी है हर जगह पे, मतलब प्रॉपर ऐसा सीजन बेसिकली ना एप्पल का। जब हार्वेस्टिंग होती है तो एक तरह से त्योहार होता है पहाड़ियों के लिए, बिल्कुल। और अगर आप में से कोई पहाड़ी होगा तो समझ सकता है कि वो कैसा माहौल होता है। रात रात को लेट लेट तक घर आते हैं घर वाले लोग। तुमने देखा नहीं ना ग्रेडिंग पैकिंग कैसे होती है? नहीं वो नहीं देखी, इसके बाद देखेंगे। पहले प्लकिंग, उसके बाद ग्रेडिंग, फिर पैकिंग, जैसे प्रॉपर प्रोसेस है वैसे हम भी देखेंगे। हाँ डिस्पैच भी फिर हम। क्या दादी? दादी मैंने तारीफ करी, स्ट्रॉन्ग है पहाड़ी, बिल्कुल है? वो तो दिख ही रहा है दादी को देख के कितने स्ट्रॉन्ग है। पहलवान करता है ऐसे चल रही है। ये मेरे को तो इसमें डूब रही हूँ मैं, पहाड़ में रहने वाली है दादी है? मैं इतनी पक्की पहाड़ी लड़की हूँ कि सैंडल में भी खेत में जा सकती हूँ। हाँ। पर वो कीचड़ आ गया ना बारिश की वजह से, इसलिए नहीं चल पा रही। पहाड़ में जो है ये नहीं चलते, फैशन नहीं चलते। हाँ। मैं यहाँ सिंपल जूता, ये जैसा मेरे जो देख तो आप मेरे को दे दो, आप तो स्ट्रांग हो, आप मेरी सैंडल पहन लो। नाशपती, ओ भाई जो फार्मर है ना उसको पता होता है कि कौन से पेड़ में कैसी फसल है, कहाँ कैसा मिठास है। मम्मी पापा ऐसे पहले बताते, इस पेड़ से खाओ, इससे मत खाओ, इसमें ज्यादा स्वाद होता है। तो अब देखते हैं उस पेड़ में क्या ऐसा मस्त मजा है। बस ना मुझे भी दिखाओ कितना स्वाद, खाओ कितनी बढ़िया। और जब ऐसे कहते हैं जब स्वाद जुबान लग जाती है फ्रूट में ना, तो और मीठा हो जाता हो। मेरी जुबान बहुत अच्छी है ना। दादी डूब गए आप घास में, तू भी बोल रही इधर आओ इधर इधर। आराम से सैंडल पहनो और पहनो यार, सैंडल तो ठीक है, ऊपर से कुर्ता भी ऐसा है जो मुझे टांगे नहीं खोलने दे रहा है। सोचा है कि मॉल रोड की सैर करने जा रही है, इसको पता नहीं था कि खेतों में जाना है। तो और आई भी ऐसा नहीं कि किसी और के खेतों में, अपने खेतों में आई है। कितने ज्यादा ऐसे लटक रहे हैं नीचे को। यार ये साइट ना किसी स्वर्ग से कम नहीं है, मतलब बहुत ही बढ़िया है। हर जगह सेब ही सेब हैं
और ऐसे कहीं से लटक रहे हो, और मतलब इतने ज्यादा एप्पल्स है ना कि इतने तो जमीन पे गिर रखे हैं कि तुम्हें खड़े होने की जगह। हाँ, पेड़ पे लगा हुआ सेब है ना, उसको खाने का जो मजा है। वैसे तो हम चाह रहे थे कि सुबह से हम रेडी बैठे थे कि आपके लिए अभी वीडियो बनाएंगे, पर पूरा दिन बारिश होती रही। इनफैक्ट अभी भी थोड़ी थोड़ी बारिश, थोड़ी थोड़ी ड्रॉपलेट्स। हमने सोचा कि अब नहीं रुकेंगे, अब चलते हैं बाहर। हेलो हेलो हेलो, क्योंकि नेपाल में भी देखते थे। हेलो मोनिका ने बोल दिया हेलो हेलो, क्या पता मोनिका की बहन देख ले। और अब लग चुकी है बारिश, बट हम जितना दिखाना चाहते थे उतना दिखा चुके हैं। ये यही बोल रहे इतनी देर से कि जल्दी भागो, बारिश लग रही है। उनको दूर से आती हुई दिख रही थी ना। और मैंने कहा आप लोग भागो, हम तो आ जाएंगे मजे करते करते। हम तो अभी जवान हैं, 20 साल के हैं। दादी आप देखो, अब क्या क्या दादी कह रहे, बारिश से तो 20 वाले भीगते होंगे और 80 वाले भीगते ही है। अच्छा तो अभी चलते हैं और अब हम देखेंगे क्या जहां एप्पल की ग्रेडिंग। ग्रेडिंग बेसिकली एक प्रोसेस है जहां पर क्वालिटी और साइज को हम अलग से कैटेगराइज कर देते हैं और फिर पैकिंग उस हिसाब से होती है। तो एक मशीन होती है जो अलग अलग साइज के एप्पल्स को अलग करती है बेसिकली। और फिर हाँ, पहले ग्रेडिंग और पैकिंग मैनुअली होती थी। यस, अभी भी काफी। मैंने तुम्हारी वीडियो देखी है ना लास्ट टाइम जो तुमने बनाई थी, और तभी मुझे भी हुआ था कि लास्ट ईयर मैं भी जाऊंगा सीजन में और मैं भी देखूंगा। वो लकड़ी के बॉक्सेस होते थे, हाँ, उसमें जाता था। और ये क्योंकि उठाने के लिए बहुत, हम पता कैसे बनाते थे, मतलब छोटी छोटी कीले होती थी ना, वो लकड़ी के बॉक्स ठेक ठेक के बनाने, अखबार करनी सेब, जैसे आम की पेटी आती है अभी भी, मुझे नहीं पता आम की आती है ऐसी। हाँ, फिर अखबार में सेब लपेटने, और हम खुद भरते थे पूरी पूरी रात। दादी ने गोदड़ू भर दिया। दादी क्या कर रही है? ये नहीं है कि भाई तुम ये देखने में, ऐसे देखने के लिए नहीं सीखो, ये कभी तुम्हारे खुद काम करना पड़ेगा। ये सब दादी के आसपास बढ़िया एंटरटेनमेंट चल रहता है। नहीं ना, पिछले आधे घंटे से तुम एक नाश्पाती खत्म नहीं कर पाई हो। काफी मेहनत का काम है। चलो सारा रास्ता था ना चलने को। हम पता कहाँ गए? वो जो छोटा सा हट दिख रहा है वहाँ। हाँ, वो पीछे काफी पीछे है, मतलब चले अब ग्रेडिंग पैकिंग देखने। तो तुम भी करोगे आज? हाँ मैं भी करूंगा, मतलब करना तो उसमें कुछ भी नहीं, एक मशीन है, मशीन में बस सेब डालने हैं। अच्छा, कुछ भी वो खुद से आएंगे, लेकिन हाँ पैकिंग मैनुअली ही होती है। देखो यहाँ पर सेब को, सेब की पेटियां काउंट हो रही है, और जिन जो सेब लेकर जाते हैं मंडी के लिए, और पूरा दिन यही काम चलता रहता है कि पैकिंग होती है, उसके बाद गाड़ियां लोड होती है और मंडी के लिए सेब जाता है, और फिर मंडी में बोली लगती है रेट्स की। 36 हो गया ना? हाँ 36 हो गई है। अबे बीच वाली गिन, डंडे वाली गिन। 36 हो गई गुरु। हाँ तो डंडे वाली गिन। मम्मी बता रहे हैं ग्रेडिंग कैसे होती है। यहाँ से जाते हैं एप्पल, इसके बीच में इसमें सफाई भी होती है ना सेब की। हाँ यहाँ ब्रश है, मतलब उससे ये क्लीन हो रहे हैं, और देखो धीरे धीरे करके। हाँ ये बड़ा साइज है, और यहाँ से ऐसे ऐसे करके ये अलग अलग ग्रेड और अलग अलग साइज के सेब ऐसे इनमें आते रहते हैं यहाँ से। और इसी तरह गाड़ी यहाँ से जा रही है मार्केट के लिए। यार बहुत मुश्किल होता है ऐसे ट्रेन्स में गाड़ियों को यहाँ से मार्केट तक ले जाना, मतलब एप्पल मार्केट में आता है लेकिन उसके पीछे की मेहनत। और आई एम श्योर हर एक क्रॉप के साथ ऐसे ही चैलेंजेस होते हैं, और हमको रिस्पेक्ट करना चाहिए यार फार्मर की मेहनत को। ये मैं इसलिए बोल पाता हूँ बिकॉज मैंने बहुत क्लोजली यहाँ देखा है सीज़न थ्रू आउट द ईयर कितनी मेहनत करते हैं पापा और बाकी लोग भी, और कई बार रेट उतना अच्छा नहीं मिल पाता चीज़ों का, बट वी शुड रिस्पेक्ट द हार्ड वर्क व्हिच आवर फार्मर्स आर पुटिंग इन एवरी क्रॉप दे प्रोड्यूस। मम्मी के यहाँ सेब खत्म हो गए, क्रेट चाहिए मम्मी को। लाएगा भी और बता भी रहे हो कहाँ से। आपकी बेटी छोटी मोटी बिहारी नहीं है, छोटी मोटी बिहारी।
हाय हाय मम्मी के डायलॉग से देखो कोई अभी हम चले हैं सब्जी बाजार से नहीं एक्चुअली बाजार बोलने की आदत है सब्जी लाने के लिए बट हम जा रहे हैं खेत से सब्जी तोड़ने बिकॉज आज हम बना रहे हैं मतलब आज घर पे बन रहा है शिमला मिर्च और मशरूम की सब्जी क्या ऐसे ना मैंने अपने बेटे से बहुत ज्यादा काम करवा लिया तो थक चुके होंगे तो मैं अपने खेत की फ्रेश सब्जियां निकाल के अब इनसे ही बनवाऊंगी सब्जी मुझे लगा मेरी फेवरेट सब्जी बनाएंगे ठीक है मैंने इतने टाइम से वैसे कुछ नहीं बना रखा है तो अभी मैं बनाऊंगा आज शिमला मिर्च और मशरूम की सब्जी आलू भी रखे मम्मी मुझसे बढ़िया बिंग कॉम्बिनेशन करता है दादी को देख बड़े बड़े से सेब छांटे ग्रेडिंग मशीन की क्या जरूरत है दादी की नजरें बड़ी पारखी है बढ़िया बढ़िया चक दिए नहीं नहीं ये दादी पता क्यों लाते हैं जो यहाँ पे वर्कर्स है ना कि इनको खिलाते हैं यहाँ सभी लोग मम्मी अभी कुछ खाने को लाए थे वर्कर्स के लिए फिर दिन में जैसे कभी टाइम मिलता है तो चाय दे दिया कुछ दे दिया तो मतलब पूरा ध्यान रखा जाता है विच इज अ वेरी गुड थिंग यार बिकॉज ये लोग आपकी फसल का इतना हाँ अब यहाँ हमारे देश में आए है तो इनको अपने घर जैसा थोड़ी है कि कुछ भी जब भी मन करेगा खाएंगे तो हमको खिलाना पड़ेगा ना जो हमारे पास होता है चलो छोटा मोटा दे दिया ऐसी सोच होनी चाहिए बताओ शुगोत्रु क्या होता है शुगोत्रु शुगोत्रु में छोटे टमाटर नहीं लाओ इधर दो मुझे नहीं चल रही गाड़ी गाड़ी का टायर हाँ पंक्चर था तो दूसरा होगा टायर इसकी इसमें गाड़ी में टायर नहीं होता है तो अब कैसे बदलेंगे इतने लोड के साथ बदलना तो पड़ेगा तू यहाँ थोड़ी जैक लगाएंगे नीचे से जैक लगा अच्छा गाड़ी फंस गई क्योंकि टायर पीछे वाला पंक्चर था यार ये चैलेंजेस है ही पहाड़ों में और जब फसल जानी हो ना स्पेशली क्योंकि बरसात के मौसम की फसलें ना बहुत दिक्कत होती है क्योंकि रोड्स पहले ही खराब होते हैं लैंडस्लाइड है और इस बार तो बहुत बुरा हाल है तो आधी फसल तो यार रास्ते में खराब हो जाती है और आज पिछले ब्लॉग में आपने वहाँ के खीरे दिखाए थे क्या बोलते हैं खीरे मेरे ससुराल का नाम नहीं है ओए देखने ना देख इसमें भी कांटे कभी नहीं मेरे गांव में फिगर वाले खीरे होते हैं देखे कहीं अभी लग रहे हैं ना ये छोटा है ना फसल ये देखो वाह क्या कहते हैं आपके ये तो बैंगन है बैंगन ओ भाई नहीं मुझे बैंगन नहीं ज्यादा पसंद मैं बनाऊंगा मशरूम मेरा वैसे कुक करने का मन कर रहा है बढ़िया से मशरूम बनाएंगे चिली मशरूम और बस फिर खाएंगे वाह फ्रेश फ्रॉम द फार्म तो जी हमारी हमारी शिमला मिर्च आ गई है मशरूम ऑलरेडी है वो तो नहीं घर के वो भी किसी के घर के ही है पर अपने पर बजाय बहुत ही छोटी क्यों नुकसान करवाना इतनी बहुत है मम्मी वैसे है वहाँ आलू आलू बढ़िया बनता बढ़िया नैना को एक मिला पति जो है से कॉम्बिनेशन सुनाता है कुछ नहीं कह सकती एक मम्मी मैं टमाटर ज्यादा डाल लूंगा बट ये 250 रुपए की मम्मी आपका दिन बहुत बड़ा बहुत पैसा मम्मी डालो डालो जितने डालने तब तक मेरे खुद के पक जाएंगे डालो चलो चलो बनाते चलो भाग मिल्खा भाग भाग ओए ओए देखियो गिरता भैया देखा कोई अंकल नहीं बोला कहती नमस्ते अंकल बोला आंटी जरूर बोला ना आंटी बोला नमस्ते आंटी ये आंटी और मैं भैया ऐसा ही होता है चला लूंगे साथ आराम से जाए मौसम देख के थोड़ा जल्दी चलो मौसम खराब हो रहा है बारिश आने वाली है शोर आया शोर शोर मैं शोर बोल रहा था क्योंकि हमारी तरफ ना बहुत ज्यादा बारिश को बोलते हैं शोर तो बस अभी बहुत बारिश तो इनको समझ नहीं आ रहा है छोड़ो देखो पीछे से आ रहा है बहुत तगड़ी वाली बारिश आने वाली है जल्दी चलो मैं तो नहीं भीगना चाहता जल्दी भागो दादी क्या देख रहे हो मैं देख रही भगवान को और किसको देखना है हमें देखो हमें आदत लग गई है को देखना है फोन यूज करते रहते अभी तक तो हमारे माँ बाप ही लगे हुए थे अब दादी भी शुरू हो गई किस किस को बचाएंगे हम सत्संग लगाया दादी ने